नमस्कार, वेलकम टू म्यूजिक ट्यूटोरियल विद मनोरंजन, जहाँ पे आपको मिलता है म्यूजिक का बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा एक 90 दशक का गाना, सुपर हिट गाना, जो कि अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी जी गाना है, और मैं खिलाड़ी तू नाड़ी उसमें गाना है। वो क्या गाना आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन ये जो गाना है वो काफी थाट के ऊपर है। अगर आप देखा जाए, काफी थाट में क्या होता है, गा और नी कमल होता है, राइट। और मैं जो आपको सिखाऊंगा वो ए पिच में रहेगा, ठीक है। तो मैं पहले आपको बताता हूं ए पिच में क्या होगा। तो ए पिच में सेकंड स्ट्रिंग जो होता है ई ए, ए मतलब धा हो गया, तो ए गा नी कमल, ठीक है। देखा जाएगा क्योंकि इसका हाई ऑक्टेव जो मेन चीज है, हाई ऑक्टेव, तो इसको कैसे प्रैक्टिस करने का है। एक है आपको सारे के सारे स्ट्रिंग में प्रैक्टिस करने का है, और सिंगल स्ट्रिंग, क्योंकि जो मीड वाला चीज होगा वो सिंगल स्ट्रिंग में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आप कोई भी गाना बजाते हैं इलेक्ट्रिक गिटार में स्पेशली, उसमें गमक वाला पार्ट मतलब गायन जैसा रहेगा। सारे सारे हो गया, मतलब आपने स्ट्रिंग कवर कर दिया पहले, मतलब सिंगल स्ट्रिंग में बजाने का है, फिर डबल स्ट्रिंग में बजाने का, और जितना हो सकता है आप गमक का प्रैक्टिस कीजिए। अभी कोड क्या है होगा, ये जैसे कि ये हो गया ई माइनर, ए माइनर, डी मेजर, राइट। तो काफी थाट में अगर आप बजा रहे हैं ए पीस से तो ये तीन कोड रहेगा। अब शुरू करते हैं वो सस्पेंस। क्या मैंने बजाया, निशा सा निशा पा। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते सारे सानी। थोड़ा स्पीड होगा, सारे सानी, सारे सानी, सारे सानी, ठीक है। निशा निशा रे निशा, ठीक है।
क्या होगा, पानी पानी पारे सा, पानी पारे सा। सेकेंड टर्म में जब बजेगा उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा, क्या चेंज होगा, नी पा, ठीक है, ये क्या होगा, नी पा गा रे सा नी, मा गा रे सा, मा मा मारे मारे सा मारे सा रे सा नी, ठीक है, मारे सा रे सा नी। ठीक है, तो इसको फाइनल बजाता हूं, उसके बाद क्या होगा, धा 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 सा धा, तार सप्तक धा ता सा होगा, तार सप्तक धा होगा मधुर, धा धा सा धा मा, धा धा सा धा धा सा धा मा, पा पा नी पा, धा धा सा धा मा पा पा नी पा, ध्यान रहे नी कमल है, गा और नी हमेशा कमल रहेगा, धाधा साधा की बात माँ तुरंत लग गया, पापा नी पापा नी पा, धाधा साधा माँ पापा नी पा, धाधा साधा माँ पापा नी पा, रे 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 गा मा, रे 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 गा मा, रे 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 गा मा, पारे 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 पारे, उसके बाद फिर रिपीट, नी पा गा रे सा रे नी, नी लंबा रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट आपको अच्छा से प्रैक्टिस करने का, ये पार्ट वन है, आज बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा मैं आपको जस्ट ट्रेलर दिखाता हूं, इसको ये जो पार्ट हमेशा ये जैसे कि मैंने बताया, आप उसको सिंगल स्ट्रिंग में भी प्रयास कीजिएगा, ये जैसे मैंने सारे सारे स्ट्रिंग लिया, आप उसको सिंगल स्ट्रिंग में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिस्टेक होगा, लेकिन वंस इट विल बी लोकेटेड, मतलब आपको पता चल जाएगा, तो आप आराम से बजा सकते हैं। जैसे कि अभी सेकंड स्ट्रिंग में लूंगा,
फीलिंग नहीं रहता। नेक्स्ट क्लास को मैं सिखाऊंगा, ठीक है? तो जो टेक्निक हमने बताया उसको आप आजमाइए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना जो एक्सपीरियंस, अपना जो व्यूज कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ये टेक्निक खुद बजाइए और किसी को आप बता भी सकते हैं, ठीक है? तो कोड, क्योंकि इसमें क्या है कि प्रील्यूड इंटरल्यूड पार्ट ज्यादातर म्यूजिक में है और आप इसको अगर आप पता कर लिया तो क्या है कि आप जैसे कि कोरा के होता है उसका पीच के हिसाब से आप अपने को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं पीच को और आप बजा सकते हैं, ठीक है? तो अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।